everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching SP Education TV. Here is Mrs. Suman Pritkar and I'm good at my place and hope for you the same. Okay, so आज हम बात करने जा रहे हैं 15 vocabulary words के बारे में. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी 2 videos upload किए हैं vocabulary के regarding. जैसे हमारे पहले थे 100 vocabulary words, then the 20 vocabulary words. So आज हम बात करने जा रहे हैं 15 vocabulary words के बारे में. जो आज हम 15 vocabulary words करेंगे, ये बहुत ही commonly use होते हैं, easily ये आपके tips पे होने चाहिए. Vocabulary word बहुत ही simple से हैं. So चलिए start करते हैं हमारी आज की video. So अगर आप हमारे channel पे new हैं, please subscribe my channel and press the bell icon too, so that whenever I will upload any video, then you will get notification. So, हमारा आज का जो first vocabulary word है वो कौन सा है? Exhausted. It means very tired. थका हुआ होना. अगर आपने बोलना हो कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, then आप अगर बोलते हो कि I'm very tired, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं I'm very exhausted. I'm exhausted at that time. ठीक है? Then second one is enhance. It means increase. किसी चीज को बढ़ाना हो तो आप बोल सकते हैं enhance. I want to enhance my knowledge regarding this topic. मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो अपनी नॉलेज है वो बढ़ाना चाहता हूँ, एनहांस. थर्ड वन इज लेयर टाइम. इट मीन्स फ्री और स्पेयर टाइम. अगर आपने बोलना हो कि इन माई फ्री टाइम आई यूजली प्ले वीडियो गेम्स, तो आप बोल सकते हैं इन माई लेयर टाइम आई यूजली प्ले वीडियो गेम्स. मतलब फ्री टाइम की जगह पे आप बोल सकते हो लेयर टाइम. देन है परप्लेक्स्ड. Perplexed का मतलब होता है confused होना. अगर आप किसी चीज़ के लिए confused हो, जैसे हम बोलते हैं ना I was in dilemma at that time, उसकी जगह पे आप बोल सकते हो ऐसे भी कि I am perplexed. मैं जो है वो confused हूँ, perplexed हूँ about my career, या कुछ भी जिसके regarding भी आपने बोलना हो तो वहाँ पे आप perplexed word use कर सकते हो. Next one is disputes. Disputes word आप तब use कर सकते हो जब आपने conflicts की बात करनी हो, मतलब लड़ाई झगड़े की बात करनी हो, quarrel की बात करनी हो, then आप use कर सकते हो conflicts और disputes. ये दोनों ही vocabulary words हैं, तो आप इनमें से कोई भी use कर सकते हो. Then है cuisine. Cuisine का मतलब होता है food. अगर आपने बोलना हो कि I taste different variety of food, तो आप बोल सकते हो I taste different type of cuisine. ठीक है, मैंने टेस्ट की है डिफरेंट तरह के कुजीन. तो कुजीन्स अगर बोल रहा हूँ मतलब फूड ज़्यादा की बात करनी हो देन कुजीन्स, अदरवाइज कुजीन. देन है एरा. एरा जो वर्ड है, एरा और एपॉक, ये हमारे 2 ऐसे वर्ड है जो हम टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं. इन द सेंस किसी पीरियड के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना ये दौर चल रहा है, ये ज़माना चल रहा है, उसके लिए आप एरा और एपॉक वर्ड यूज़ कर सकते हो. इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हम बोलते हैं, उसकी जगह आप बोल सकते हो इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा और इन दिस कंटेम्प्रेरी एपॉक. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया के बारे में, जहाँ दौर के बारे में बात कर रही हो, देन आप एरा और एपॉक वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है पोंडर, रेकॉन, डीम. ये तीनों ऐसे वर्ड है जिनका मीनिंग होता है थिंक. जब हम टास्क 2 में देखते हैं ना, सम पीपल थिंक दैट ऐसे लिखा आता है, तो आप बोल सकते हो फ्यू मासेस डीम दैट, फ्यू मासेस रेकॉन दैट, फ्यू मासेस पॉन्डर दैट. ठीक है, ये वर्ड्स आप वहाँ पे बोल सकते हो. यहाँ पे थिंक लिखा है, से लिखा है, उसकी जगह पे आप ये वर्ड्स लिख सकते हो विद इन टास्क 2. तो आप ये वर्ड स्पीकिंग में भी बोल सकते हो डीम दैट. ठीक है, कि मैं सोचता हूँ ये चीज़, तो देन आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. देन है टॉप नॉच. टॉप नॉच क्वालिटी, जैसे बोलते हैं इट इज़ ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब सुपीरियर क्वालिटी. कोई अगर क्वालिटी सुपीरियर हो, यू कैन यूज टॉप नॉच. नेक्स्ट है अश्योरेंस. जब हम बोलते हैं ना आई गिव 100% गारंटी, देन आप ये वर्ड यूज कर सकते हो आई गिव 100% अश्योरेंस. ठीक है, अश्योरेंस का मतलब होता है गारंटी. देन है वो. वॉग मीन्स ट्रेंड और फैशन, की आजकल ये फैशन हो गया है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, देन आप उसकी जगह पे बोल सकते हो वॉग. इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ वॉग. ठीक है, देन है हीट. अगर कॉन्सेंट्रेट की बात आ जाए कि आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडी इन नॉइसी एरिया, ठीक है, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता अपनी स्टडी पे नॉइसी एरिया में, आप वहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई कांट हीट ऑन माई स्टडी इन नॉइसी एरिया. हीट भी बोल सकते हो एट द प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट. सो ये थे हमारे आज के 15 वोकेबलरी वर्ड जो बहुत ही सिंपल थे,
बहुत ही इजीली आप यूज़ कर पाओगे अपनी स्पीकिंग में भी और अपनी राइटिंग में भी। होप है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी वोकैबुलरी वर्ड के रिगार्डिंग या कोई भी आपको आईएल्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।